आप लोग नहीं सोचने लग रहे हो गए कि कहानी की शुरुआत होते ही मैं पिटन क्यों लाग रहा हूँ। दरअसल वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जब आपके उल्टे लाग रहे हो तो आदमी चाहे ऊंट पे क्यों ना बैठे हो, कुत्ता का काटे ले है। पर मुझे किसी कुत्ते ने नहीं काटा, मुझे डसा एक हसीन दिलरुबा ने। चलिए आपको कहानी बताते हैं। रखिए बात थोड़ा जोर ला ले, कभी टूट रहे हैं के? और कितना जोर लाऊं बाबू, इसे आट ले रहा है, टूट जाए कितने बुढ़ापा में सेवाएं मन करनी पड़ेगी। अरे बेटा, कुत्ता पालिए, बिल्ली पाल ली पर बैं मत पालिए। उम्रे क्या हुई मेरी, जस्ट 55 लाइक 55। हाँ हाँ, लेतरा डाइपर चेंज कर दूँ, मेरे बाबू ने सुसु कर दिया होगा। चुप चुप आला चला ले, घनी जबाना चलावे। अरे किसका है ठाले? कुछ ना बाबू, कंपनी का है, छोड़ देना तू। अरे ठाले किसका है? बाबू ठा लिया तो तू मन्ना ठा देगा। क्या क्या है? कुछ नहीं बाबू, वो कंपनी वाला का है, वो वैक्सीन लगवाने खातर है ना, फर्स्ट डोज लगवा ली, सेकंड डोज खातर है। मैं एक बार बात कर लूं। हाँ मैडम। मैडम इतनी देर से वेट करी, फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? हाँ जी मैडम, वो फर्स्ट डोज ना मैंने लगवा ली थी, सेकंड डोज के लिए मैं आता हूँ थोड़ी देर में आता हूँ। फर्स्ट डोज? अरे मेरे दे मैं। हेलो, हाँ मैडम जी, मन्ना बताओ कितना है? सॉरी सर, 45 अबव के लिए वैक्सीन खत्म हो गई हैं। या अभी भी खत्म होनी थी। और सुनाओ मैडम जी। क्या बात? ऐसा मरूंगी ना दोबारा, मैं बिठा कर जाकर सीधा राम जाता। के बोली बाबू? अरे बोल ले के थी, घबरा गई मेरा जोश देख के, बोली खत्म हो रही है। अरे तू मालिश पे ध्यान दे। अरे बाबू मालिश तो मन्ना भी करनी है। के मालिश? मालिश नहीं, पॉलिश, जूते पॉलिश। वो मेरा इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू देने जाना मैंने। बहुत बढ़िया बेटा, मैं जाऊं? हां हां, बस स्टॉप लग बेटा। क्या है ये, ऐसे कौन बात कराता है अपने पापा से? यार मेरे हाथ में फोन था, खोस लिया मेरे बाबू ने, मेरी क्या गलती है? अर्थन मेरे बाबू अबेरा कौन के, वो कस्टमर केयर वाला ना छोड़ता। वो तो अच्छा हुआ मैंने बात संभाल ली, वरना पता नहीं क्या होता। होता तो के यार, ज्यादा पता लग जाता घर वालों को, वो तो वैसे भी लगना है एक दिन। और हाँ, पता लगने से याद आया, तुम पापा से बात कब कर रहे हो? मैं तो सिटी भाई से भी बात करने वाली हूँ हमारे रिलेशन के बारे में। अरे बात तो जद कराओ ना, मेरे बाबू खुद अपने ब्याह की बाट देखा है। क्या मतलब अपने ब्याह की बाट देखा है? देखो रोहित, तुम अपने पापा से बात कर लो या फिर मैं जाऊँ वापस वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज? तुम फिर भूल गए, मम्मी पापा वेस्ट इंडीज ही रहते हैं। अरे हाँ हाँ, तने बताया था तेरी मम्मी वेस्ट इंडीज की है, पापा इंडिया के, लव मैरिज हुई थी। याद आ गया। तुम ना रहने ही दो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। अरे यार तू नाराज ना हो, मेरे याद आ गया, सुन तो। आइसक्रीम वाला, चल आइसक्रीम खिलाता हूं, नाराज ना हो यार, चल आ जा। आ जा मेरी जान, आइसक्रीम खाऊंगा। हाँ भाई, क्या है? वेनिला चॉकलेट के कुछ आइसक्रीम क्या खाओगी? नहीं कुछ भी वो खाओगी? अरे मतलब चॉकलेट कर दे भाई, अरे एक वेनिला कर दे, ठीक है? ये तो राजी होगी होगी। अरे रोहित भाई क्या हाल है? भाभी है क्या? अरे तू क्या कर रहा है साले? अरे एक आधी आज के हमने भी खुआ दे। राम राम भाभी। कमाऊं आइसक्रीम करना चट हो रहा है क्या साले? तो क्या बात होगी, छो में क्या तो हो रहा है, एक आधी हमने भी खुआ दे आइसक्रीम। कमाऊं बर्फ का गोला मारूं साले, चल चल। कौन था ये गधा? अरे पड़ोसी है साले, जला है मेरे छोरी साथ देख के। क्यों? बराबरी नहीं होती तेरे यार की, तब साले काट करे। हाँ हाँ, तुम ही हो मेरे रोता किया, चल आइसक्रीम। मैं करता हूँ इसका गूगल पे, यहीं बैठे, ठीक है? तो लड़का हाथ तक निकल चुका है, मामला जमा खराब हो लिया। अरे के मामला खराब हो लिया, के बोलने लग रहा है? सिर तो ऊपर पानी जा चुका है ताऊ जी। अरे क्यों जलेबी तरन लग रहा है? सीधा सीधा बता के बात हुई। अपना टिंकू नहीं है, वो पार्क में छोरी खेल बैठा था। तने बेरा भी है, तू के बोलने लग रहा है? जब अपने यकीन नहीं आंदा नी तो कल 4 बजे जापानीज पार्क में जाकर देख लेना। मारा टिंकू लड़की के साथ में, बेटे कुछ तो गड़बड़ है। आशिक हो जाने में कितना वक्त लगता है? 6 महीने लगे थे तुम्हें। 6 महीने? तने न्यू लगा 6 महीने? मेरा कितना मुश्किल था तने पटाना, के पापड़ बेलने पड़े थे मैंने। पापड़ वगैरह छोड़ो, तुम मुझे पॉपकॉर्न कब खिला रहे हो? अरे पॉपकॉर्न खुआ दूं किसान आने तो दे। अच्छा एक बात बता, तने मेरा सबसे बढ़िया खेला गया? मुझे तुम्हारी नाक। नाक या तो मन नहीं बढ़िया ना लगा है, मतलब और तुम्हें मुझमें सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे मुझे सब कुछ, पूरी पूरी की पूरी। हाय मेरे टिंकू। खिलाओ ना। हाँ हाँ खिलाऊं। सो रहे हो तुम तो? अरे यार वो रात को मियां खलीफा की वीडियो, क्या मतलब यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था इसलिए नींद आ रही है, कोई ना खा खिला रहा हूँ। कल ना खुशी का बर्थडे है, समझ नहीं आ रहा उसको क्या गिफ्ट करूँ,
पर्स करूँ, साइकिल करूँ, बट साइकिल करूँगी तो यार अब बड़ी हो गई है, फिर साइकिल देना ठीक नहीं रहेगा, ऐसा कर। खिलाओ ना। ले खा ले यार, कितना खाओगी? खिलाओ ना, रुक क्यों जाते हो? वाह बाबू, तू थोड़ा गिर रहा है। अरे बाबू थी आया है। वाह कौन बाबू थी? कोई ना था, राम जादे जिसने लौट के पॉपकॉर्न फैला रहा था। कोई ना था बाबू, तेरे पड़का लग गया मेरे ख्याल में। अच्छा चांद चांद बोल के बाबू ने दिन में तारे दिखाने सोच रहा है। साथी साथ बता दे कौन थी बाबू? सच सच बताऊं, मारे नहीं गाने, गर्लफ्रेंड थी मेरी। अरे मारे हरियाणा में गर्लफ्रेंड ना होती बाबू, होया करे। हर काल बुला ली साहब। पक्का ब्याह की बात करेगा ना? हाँ ब्याह की बात करेंगे। पक्का? हाय बाबू, हेलो। हेलो बेबी, बहुत मार पड़ी होगी ना तुम्हें? अरे ना ना, तेरे यार ने सारा सिस्टम संभाल लिया। सही है संभाल लिया, वरना सिस्टम फट जाता। अच्छा सुन, एक गुड न्यूज़ है तेरे लिए। क्या? बाबू मान गया अपने रिश्ते खातर। सच्ची मुच्ची, इसीलिए बाबू ने तुम्हें कल चाय पे बुलाया। अरे वाह, ये तो सच्ची में गुड न्यूज़ है। और के कल सुन, टाइम तो आ जाइए, तू लेट ना हुई, ठीक है? ठीक है चल, ठीक है, लव यू सतन है। लव यू टू सतन है। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। अरे आओ आओ बेटा, बैठो बैठो। और बेटा घर परिवार सब राजी? हाँ अंकल सब बढ़िया। बेटा ये बताओ, तुम एक दूसरे को कितने दिन जानते हो? अंकल ये 6 महीने। बड़े हैवी ड्राइवर हो बेटा तुम तो। क्या अंकल? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं बेटा। बेटा एक बात ना दिल से, ये हरामजादा हमें पसंद नहीं है, तो तुम्हें पसंद कैसे आया? गलती हो गई अंकल। क्या क्या? मतलब गलती हो जाती है अगर ये पसंद नहीं आते तो। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बेटा मैं बहुत देर से एक बात सोच रहा हूँ, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारी माँ कितनी सुंदर होगी। बाबू मेरी बात करनी है तेरी नहीं। अरे रुक जा तू, बेटा तू नहीं समझेगा, रिश्ते में हर चीज देखनी पड़े। मैं सारी समझू हूँ। हाँ तो बेटा पापा क्या करते हैं? अंकल अंडरगार्मेंट्स का बिजनेस है। अच्छा अच्छा, फिर तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, कच्चे बनियान भी लेने पड़ेंगे। और मम्मी क्या करती है? मम्मी हाउस वाइफ है, लेकिन एक्चुअली मम्मी पापा दोनों वेस्ट इंडीज में शिफ्ट हुए हैं। अच्छा वेस्ट इंडीज, ये अपना सापले वाला? नहीं नहीं अंकल जी, तो साउथ अफ्रीका वाला। एक्चुअली मम्मी पापा की लव मैरिज है, तो मम्मी वेस्ट इंडीज और पापा इंडियन है। क्या वेस्ट इंडीज? क्या हो गया अंकल? कुछ नहीं कुछ नहीं बेटा, आप चलो मैं टिंकू से बात करके बताता हूँ आपको, ठीक है ना? जाओ जाओ। रखी सुधा यो, क्या हो गया बाबू? सुतरी तो है। अरे याद सुतरी से, इसकी माँ कौन है? तो इसकी माता अपन के लेना है। अरे माता लेना क्यों नहीं, तू ना समझे। अरे रिश्तेदारी मावा जाओ सुतरे लाके। अरे यार मन को पसंद, अरे मेरी तरफ तो ना है भाई ना ले यार। अरे मेरी बात तो सुन ले यार। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे पापा को, क्यों नहीं मान रहे वो? यार तू तो पसंद आ गई मेरे बाबू का, पर तेरी माँ ना आई। तुम्हारी मम्मी से क्या मतलब है उन्हें? यार वो तो मेरा बाबू ही जाना क्या मतलब है। फिर तो एक ही ऑप्शन है, भाग के शादी करनी पड़ेगी। ओ पीटी उषा रुक जा, भाग के ना शादी करूँ मैं? आई बड़ी, कि मैं और ऑप्शन हो तो बता। कोई और ऑप्शन नहीं है, साफ साफ बोल दो ना तुम्हें शादी नहीं करनी। यार शादी तो करनी है, तू समझ नहीं रही, पर मैं बाबू की मर्जी के बिना नहीं कर सकता। तो फिर प्यार भी बाबू की मर्जी से ही करते ना, तुम सारे लड़के एक ही जैसे होते हो। लड़कियों का दिल तो पार्क की तरह होता है, घूमो फिरो निकल जाओ, ठरकी बाप पर ठरकी बेटा। ओए मेरे बाप ने ठरकी बोलने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? तो फिर क्या बोलूं, तुम फाइनल बता दो तुम्हें शादी करनी है या नहीं? नहीं करनी, ऐसे भाग के तो बिल्कुल नहीं करनी, और कुछ ऑप्शन हो तो बता, ठीक है? मेरे को नहीं करनी। मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैंने पहले ही स्वीटी भाई को सब कुछ बता दिया था। रुको मैं अभी फोन करती हूँ। हाँ हाँ जा बुला ले तेरे स्वीटी भाई ना, बड़ा स्वीटी भाई नहीं दाऊद इब्राहिम हो गया। लगत खदान आनी, खाम सुन लगत खदान आनी, ताल बिसरा खाम सुन ली अब। वो अभी आ रहे, तुम रुको। अरे कदा होगा तेरा स्वीटी भाई, स्वीटी भाई ने बुलाओ थी। स्वीटी भाई कहाँ है? स्वीटी भाई, स्वीटी भाई आई बड़ी, जाऊँ मैं टेम को नहीं मिलता। इतना भाई, अरे कौन है यार? अरे यार मैं होश हुए थे भाई। ये स्वीटी भाई है, ये सांड। नमस्ते भाई साहब, बारिश होगी कि नहीं एक बार देख के बताना।